जय हिंद दोस्तों। आज 11 जनवरी सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे केरला पुलिस का सेना के जवान को क्यों पीटा था, पूरी हकीकत सामने आई। ओआरओपी 2 कोर्ट में सुनवाई, एक्स ग्रुप 6200 पर प्री 2016 को मिलेगा न्याय। बिहार सरकार का जेसीओ ओआर को जबरदस्त तोहफा, 27,000 सैलरी पर होंगे तैनात। 1 जुलाई 2024 से पेंशन में इजाफा, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले एक और बड़ी खबर है, इस पर सीजीडीए ने पासवर्ड रीसेट करने का मेल सभी को क्यों भेज रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और पीसीडीए अधिकारी की छुट्टी, 6.7 लाख की हेरा फेरी का आरोप। पूर्व सैनिक की भर्ती, सैलरी रहेगी 45,700 रुपए, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पहली खबर से बात करते हैं, पुलिस बनाम सेना। कल आपने एक वीडियो देखा था जो कि सेना का एक जवान था जिस जो केरला पुलिस ने उसको पीटा और उसके बाद उसकी टांग टूट गई, और टांग टूटने के बाद जब सेना ने दखल दिया उसके बाद क्या हुआ वो आपको पूरी कहानी बताते हैं। बता दें, एक मामला था 301 लाइट रेजिमेंट के एक जवान ईएमई कोर के थे लांस नायक अजीत को केरला पुलिस ने बड़ी बेरहमी से पीटा। और वो मामला क्या था कि बता दें, सीता देवी लव कुश मंदिर पल्लवी में उत्सव सिलसिले पर लगाए गए एक यातायात बैरिकेटिंग लगाई गई थी, जिसको कि अजीत वहां पर जा रहा था और पुलिस बाइक लेके जा रहा था, बाइक निकालने की कोशिश वहां से कर रहा था। उसके बाद पुलिस वालों से बहस हो गई और बहस में पुलिस वालों ने वहां पर उसको पीटा। इसके बाद उसे थाने ले गई और थाने में भी पीटा। लेकिन बता दें, अजीत ने यह बताया कि सेना का जवान भी बताया पुलिस वालों को कि हम सेना के जवान हैं और हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, हमें जाने दो। उसके बाद भी वो कथित तौर पर उस पर मौखिक दुर्व्यवहार यानी कि गाली गलौज करते रहे और बाद में थाने ले जाकर भी उसकी पिटाई की। आप देख सकते हो उसका पैर टूट गया। इसके बाद सेना ने दखल दिया और सेना ने दखल क्या दिया, जाकर उसको वहां से जो अस्पताल में भर्ती कराया था उसको वहां से निकाला। उसके बाद उसकी जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। अब जांच में क्या आएगा वहां पर सिविलियन से पता किया जाएगा। लेकिन बता दें, सेना के जवान का कहना है कि हमें वहां पर पीटा था उस जगह पर भी और इसके बाद पुलिस स्टेशन में ले जाके भी पीटा था। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, ये खबर है एक्स ग्रुप की पे को लेकर। और बता दें, ओआरओपी 2 में एक विसंगति पैदा की गई जो कि एक्स ग्रुप को प्री 2006 वालों को 6200 का लाभ नहीं दिया गया था। अब ये केस दिल्ली एएफटी में चल रहा है और दिल्ली एएफटी में जो केस चल रहा है इसमें आज लिस्ट किया गया था 11/1/2024 को, यानी कि आज इसकी सुनवाई है। उससे पहले क्या कहा गया था, 2 वीक का टाइम दिया गया था ग्रांटेड फॉर एप्लीकेंट टू गिव लिस्ट। एक लिस्ट मांगी गई थी जो कि जिनको ओआरओपी 2 में एक्स ग्रुप का लाभ 6200 नहीं मिला है उनकी लिस्ट मांगी गई थी। और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने सभी से वो नाम मांगे थे जो जो एक्स ग्रुप के हैं जिनको इससे लाभ नहीं हुआ है प्री 2016 वालों को, और वो लिस्ट सभी की आज सौंपी जाएगी एएफटी दिल्ली में 11/1/2024, यानी कि आज सुनवाई होगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा आज कोर्ट से उसकी मैं आपको ताजा जानकारी आज शाम के वीडियो में दे दूंगा। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, पूर्व सैनिक चालकों की भर्ती होगी संविदा पर। अब इस पर यह खबर आई है, बिहार में बिहार सरकार ने जबरदस्त फैसला लिया है। बता दें, पूर्व सैनिक ड्राइवर के पदों पर भर्ती होगी। पूर्व सैनिक जो भी ड्राइवर ट्रेड से हैं उनकी भर्ती होगी, रिटायर्ड सैनिकों की। और बता दें, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एसपी ने मांगा, पूरा ब्यौरा मांगा है और दानापुर एडब्ल्यूपीओ के माध्यम से यह भर्ती होगी। पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है, संविदा पर संवर्ग में रिटायर्ड सैनिकों को बिहार पुलिस में संविदा पर नौकरी दी जाएगी। चालक पद वाले भी बहाल किए जाएंगे, यानी कि जो ड्राइवर ट्रेड से हैं वही बहाल किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक दानापुर स्थित एडब्ल्यूपीओ के निर्देशक को पत्र लिखा गया है और इस पत्र में जिला सैनिक बोर्ड से नाम मांगे गए हैं कि जितने भी ड्राइवर ट्रेड से हैं सभी का ब्यौरा दिया जाए।
इन जितने भी पूर्व सैनिक हैं इनको 25,750 रुपए में संविदा पर तैनात किया जाएगा ड्राइवर में, और इसके बाद बिहार राज्य परिवहन निगम में भी इनकी भर्ती की जाएगी पूर्व सैनिक ड्राइवर की। तो जो भी पूर्व सैनिक हैं इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती की प्रक्रिया फरवरी 2024 के अंतिम दिन तक कराई जाएगी। इसका जल्द ही AWPO नोटिस निकालेगा, उसका मैं डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा जैसे ही नोटिस आएगा। बता दें बिहार का वो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो भी ऐसे बिहार के लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप से कॉन्टेक्ट हो जाए जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट जानकारी देता रहूं। ORP 3 में बेस ईयर जुलाई 2023 लिया जाएगा। इसकी बड़ी अपडेट आई है कि जुलाई 2023 में सभी रैंकों के जो रिटायर हो रहे हैं उनकी बेसिक कितनी है उसी से हमारा ORP 3 निर्धारित होगा। जैसे कि सिपाही 17 साल 2023 में जो रिटायर हुए हैं 23,138 रुपए उनको बेसिक मिल रही है। इसके बाद नायक जो रिटायर हुए हैं 23,600, हवलदार जो रिटायर हुए हैं 25,750, नायब सूबेदार 29,050, सूबेदार 34,600, सूबेदार मेजर 37,800, ऑनरी लेफ्टिनेंट 46,400 और ऑनरी कैप्टन 49,475। ये जो 2023 में रिटायर हो रहे हैं इस बेसिक के आधार पर रिटायर हो रहे हैं, इतनी बेसिक उनको मिल रही है, इसी से हमारी ORP 3 निर्धारित की जाएगी। लेकिन ये आपकी ORP 3 पेंशन नहीं होगी। क्या पेंशन होगी आज उसका डिटेल वीडियो दोपहर 1 बजे आपको उसको मैं अपलोड कर दूंगा। कितनी आपकी बेसिक बनेगी सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक वो जरूर पेंशन आप देख ले वीडियो, क्योंकि उसमें पूरी जानकारी आपको वो दी जाएगी। बात कर लेते हैं एक और बड़ी स्पर्श से बड़ी अपडेट है। स्पर्श का एक मेल कई पेंशनर्स को आ रहा है और वो मेल क्या आ रहा है, काइंडली चेंज योर पासवर्ड, अपना स्पर्श का पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड चेंज कर लें, ऐसा मेल भेजा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये स्पर्श की तरफ से मेल भेजा जा रहा है। और क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि आपका डाटा हैक कर लिया गया है, लीक हो गया है, इसलिए आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। बता दें स्पर्श से पता चला है कि ऐसा स्पर्श की तरफ से कोई मेल नहीं भेजा गया है। जो भी पेंशनर्स हैं अपना पासवर्ड चेंज ना करें, क्योंकि डाटा आपका हैक नहीं हुआ है। हाँ, आपको फ्रॉड मैसेज ऐसे जरूर आ रहे होंगे, ये फ्रॉड मैसेज हैं, इन मैसेज से बचें, क्योंकि ये मैसेज ऐसे हैं कि आपका पासवर्ड और यूजर नेम चेंज करने के लिए कहेगा, आपको लिंक भेजेगा, तो ऐसे काम ना करें। अपने पासवर्ड जो है वही अपना रखें, कोई पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं PCDA की एक और बड़ी खबर है। रक्षा मंत्रालय ने अपने ही एक अधिकारी जो रक्षा लेखा में तैनात थे, वेतन खातों और ऑडिट का काम देखते थे, उनको निलंबित कर दिया है। और बता दें इनके पास जो महानिदेशक संवितर प्रसाद थे जो कि 21 नवंबर को निलंबित कर दिए गए हैं, इन पर आरोप है भ्रष्टाचार के गबन का, 6.7 लाख के गबन का। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके आरोप सिद्ध हुए हैं, इसलिए सरकार ने इनको वहां से निलंबित किया है। बता दें इन पर ये आरोप लगाया गया था कि ये धोखाधड़ी के संपर्क में थे, धोखाधड़ी करके इन्होंने ऐसे काम किए हैं, गबन किया है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें दिल्ली में नई वैकेंसी निकली हुई है जिसका मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आज शाम को, उस वीडियो को जरूर देख ले। 4,214 वैकेंसी है, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना 9 तारीख से शुरू हो गए हैं। 10th, 12th और डिग्री होल्डर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को 14.5% रिजर्वेशन कोटा है, इसका मैं एक डिटेल वीडियो आज शाम को अप्लाई करने का डिटेल वीडियो शाम को बना दूंगा। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।